25 दिसंबर 2021 को एवियन 5 रॉकेट से नासा ने एक स्पेस टेलीस्कोप सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो कि था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे मैं आगे जेम्स ही कहूंगा नाम लंबा होने की वजह से, जिसकी भेजी हुई इमेजों ने इस वक्त दुनिया में तहलका मचा दिया है। असल में जेम्स को अमेरिका की नासा, यूरोप की एसा और कनाडा की सीएसए ने मिलकर बनाया है, जो कि $10 अरब लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जेम्स अपने आप में तो खास है ही, लेकिन एक चीज है इसमें जो इसको दुनिया के सभी टेलीस्कोप से ज्यादा खास बनाती है, और वो है सोना। दोस्तों, इसके ऑप्टिक्स को 48 ग्राम सोने से कोट किया गया है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। टेलीस्कोप ऑप्टिक्स स्पेस से आने वाली लाइट को कैच करती है। एक तरह से ऑप्टिक्स को आप जेम्स की आंख भी कह सकते हो। अब बात यह है, सोने का ही यूज क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो दोस्तों, जैसा कि कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने हमारी गोल्ड वाली शॉर्ट वीडियो देखी होगी जो ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, जाकर देख लेना, तो उनको पता होगा सोना एक नॉन रिएक्टेबल मेटल है, यानी कि अंतरिक्ष में लॉन्च होने के बाद कोई दूसरा एलिमेंट इसके ऑप्टिक्स को रिएक्ट करके जल्द खराब नहीं कर सकेगा। इस वजह से टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स लंबे समय तक सही सलामत रहेंगे। सोने की परत टेलीस्कोप पर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट में से 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, ऐसे में टेलीस्कोप भी ठंडा रहेगा। और वैसे यार, स्पेस में इतनी ठंड है फिर भी हीट हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर जेम्स के ऊपर सोने का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ब्रह्मांड के जन्म को लेकर हमारे बीच कई थ्योरीज फेमस हैं। उनमें से सबसे सटीक सिद्धांत बिग बैंग का है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड का सब कुछ बस एक पॉइंट में कैद था, पता नहीं कैसे अचानक हुए एक एक्सप्लोजन से इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। हालांकि बिग बैंग के बाद यह ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर हमारे पास कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बस अनुमान ही लगाया जाता है। लेकिन इसी जानकारी को जुटाने का काम ये टेलीस्कोप करेगा। ये ब्रह्मांड वो इंफ्रारेड वेवलेंथ की नजर से देखेगा, जो हबल टेलीस्कोप नहीं कर सकता था। जेम्स आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च के कई नए आयाम खोलने वाला है। ये डार्क एनर्जी, गैलेक्सी फॉर्मेशन, तारों का जीवन चक्र जैसे कई जटिल रहस्यों से पर्दा उठा देगा। ये लंबी दूरी से सफर करके आ रही इंफ्रारेड वेव्स को भी कैच कर सकता है। अब इंफ्रारेड वेव्स वही होती हैं जिनसे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगह पर आपकी चेकिंग होती है। ये आपके सामान में से होती हुई आती हैं और सिक्योरिटी वालों को पता चल जाता है कि आपके पास क्या क्या मालपानी है। ये लाइट को ऑब्जर्व करके करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित प्लैनेट्स के बारे में काफी कुछ पता लगा सकेगा। ऐसे में एक्सोप्लैनेट की खोज करने में जेम्स एक अहम कड़ी साबित होने वाला है। एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जिन्हें हम भविष्य में इंसान के लिए नया ठिकाना बना सकते हैं। ये टेलीस्कोप धूल के बादलों के पीछे छुपे तारों को देखने में भी सक्षम होगा, जो कि इसने कल भी दिखाया है हालिया रिलीज एक नेबुला की इमेज भेजकर। नेबुला वो जगह होती है या नेबुला वो बादल होते हैं जहाँ की कोई नया स्टार जन्म लेता है या कोई पुराना स्टार मरता है। जेम्स यूनिवर्स में 13.7 बिलियन लाइट ईयर पुरानी लाइटों को देख सकेगा। इस कारण कई वैज्ञानिक इसको ब्रह्मांड की टाइम मशीन भी कह रहे हैं। एक बात तो क्लियर है दोस्तों, जेम्स की मदद से आने वाले टाइम में यूनिवर्स के कई रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकेगा जिनसे हम आज भी अनजान हैं।